पर तुम तो दोगे उन्हीं को सम्मान और बनने के लिए भी वही करोगे प्रयत्न। हर गरीब अमीर होना चाहता है पर अमीरों को गाली भी देता है। दुनिया के किसी भी गरीब से पूछो तुम क्या होना चाहते हो, ना महाराज जी थोड़ा धनी हो जाते, पैसा हो जाता, पर फिर अमीरों को गाली भी देता है। या तो तुम सुदामा की तरह कह दो कि मेरे पास जितना है मैं संतुष्ट हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैं अपने देश के लिए अपने बच्चों में संस्कार दिया हूं, पूत कपूत तो क्या धन संचे और पूत सपूत तो क्या धन संचे, अगर पुत्र कपुत्र है तो ऐसे कुपुत्र के लिए धन संच के भी क्या करोगे, ब्राउन शुगर पी लेगा, शराब पी के गिर जाएगा नाली में, सुवरिया चाटेगी गाल और सोचेगा कि मेनका और रंभा ही है हमारे पास। और अगर पूत सपूत है तो उसको धन की भी क्या जरूरत है, मुझे समझा दो। मुझे याद है मैं जब अपने मेरे गुरु आश्रम से मेरे गुरु जी ने कहा जाओ धर्म का प्रचार करो, तो मुझे सिर्फ एक धोती दी थी, एक धोती, मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ एक व्हाइट धोती थी, कुछ नहीं था। पर उन्होंने जाते जाते ऐसे कहा कि जहां जाएगा राजस्थान में भी जाएगा तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाएंगे जहां मैं आशीर्वाद देता। आज उस धोती को बेच करके तो मैं नहीं चल रहा हूं, पर उनकी प्रज्ञा, उनकी विद्वता, उनकी विद्या, उनका आशीर्वाद जीवन में काम आ रहा है। तुम आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं समझते। हर आदमी प्रश्न पूछने आता है पर उत्तर पहले से सोच के आता है, मेरी तरह उत्तर दोगे तब मैं आपसे संतुष्ट होऊंगा। अरे व्यासपीठ क्या तुम्हारा घूस खा के बैठा हुआ है, खरीद के बैठ लिए हो क्या? तुम अगर तुम्हारी तरह उत्तर ढूंढते हो इसका मतलब तुम बदलाव नहीं चाहते। उत्तर भी सेट करके बैठा है। आत्मदेव को बोला तू तो पुत्र मत मांग, तेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आएगी। नहीं मुझे पुत्र चाहिए। बोला ले जा। उसके बाद उसी पुत्र ने मां को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और पिता को लात मारा, पर उस समय संत की बात नहीं सुना। मैं कहता हूं संन्यास धारण कर, मौज में रह, गवेषणा कर, एक दो संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, भारत की सारी जनता, दुनिया की सारी जनता, अरे जरा तुम सोचो एक दो, मैं नहीं कहता, गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है और जो तुम्हारे जिम्मेवारी में आया उसका निर्वाह करो, पर रो मत। मेरे चार चार बेटे हैं, मैं क्या करूं, बड़ा कर्ज हो गया है, कैसे पढ़ाऊं, क्यों, किस लिए, किस लिए कर्ज लेके अपनी जिंदगी पर बोझ बढ़ा करके, अपने शरीर में रोग पैदा करके, दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अपनी जिंदगी का कब्र खोदने आयो। परमात्मा तुम्हें जन्म देकर के शर्मिंदा हो रहा होगा, मैंने इसे मनुष्य का शरीर दिया मुस्कुराने के लिए, आनंदित रहने के लिए, हंसने के लिए। हमारे बर्मन जी की आठ आठ बेटियां हैं, एक बेटा है। अरे मैं जानता हूं कि आप कितना क्या करोगे, लेकिन इतनी पक्की बात है सदगुरु और भगवान की कृपा से अगर संस्कार इनके भीतर आ गई तो ये भागवत की अष्ट सिद्धियां बनकर के उभर जाएंगी इसी देश में। जरूरत क्या है कुछ करने, संस्कार मिल गए इन बेटियों को तो क्या नहीं कर सकती है, और ये बड़ी संस्कारी है। माल देने के लिए इतने बेचैन हो, संस्कार देने के लिए बेचैन नहीं, और माता पिता कहलाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें भी कहता हूं, ये मॉडलों के चक्कर से निकल के माता पिता से संस्कार लो, सीखो उनसे कि तुम्हारे पालन पोषण के लिए उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी है। और बल्कि उनको ये भी कहो पापा इतना दुख करने की जरूरत नहीं है, बी हैप्पी, स्माइल प्लीज, और चलो डांस करते हैं अभी राम राम लगा के, मौज करते हैं, नृत्य करते हैं। अपने माता पिता को ऐसा सहयोग करो और अपने संस्कार के बल पर उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दे दो कि उनको ग्लानी महसूस ना हो बल्कि तुमको जन्म देने के बाद उनको गौरव महसूस हो कि ऐसी बेटी और ऐसे बेटे मेरे घर में आए। आज तो ग्लानी हो रही, हर आदमी का यही हाल है।
तुम तो डिप्रेशन में पड़ जाओगे अगर मैं ठीक ठाक से कथा कर दूंगा तो। आधे लोग डिप्रेशन में पड़ जाओगे। हाँ, पर ये पक्का पता है, होम्योपैथ की तरह रोग मिटाना हो तो पहले थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। एक सुंदर परिवार हो भारत में, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे पांच, हम दो हमारे दस, जितने हैं चलो ठीक है, बढ़िया बात करो। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक हम भी फ्री है महाराज, जो करना करो। हाँ कहो, केवल हमारे लिए है क्या? ठीक है, बढ़िया। बट ग्लानी में मत रहो, चिंतित मत रहो। मैंने आधे माता पिता को अपनी बेटी के विवाह और बेटे की नौकरी के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर का रोगी होते हुए देखा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आरटीआई डालो। भारत में ये शुगर, ब्लड प्रेशर और जितने भी रोग हैं वो क्यों हो रहे हैं? वाह 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 भैया, इतना सुंदर विवाह हुआ तुम्हारा, इतने सुंदर आंगन में फूल की तरह बच्चे लाए। उन बच्चों के साथ आनंदित रहने की बजाय सारी जिंदगी बोझ ढोने वाले मजदूर की तरह मजदूरी कर रहे हो। बच्चे तुम्हारी मजबूरी हैं, उनके लिए मजदूरी कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे गौरव हैं, तुम्हारे बच्चे संस्कारवान हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए मुस्कुराहट के चलते फिरते भगवता अवतार हैं, भक्ता अवतार हैं, और तुम उन बच्चों को ही अपने ऊपर लायबिलिटी समझे हुए हो।